फिल्म दंगल में लीड रोल में पहली बार नजर आ रही हैं फातिमा सना शेख, जो प्ले कर रही हैं गीता फोगट का रोल। पर वैसे तो फातिमा इज नॉट न्यू टू बॉलीवुड। हमने फातिमा को देखा है द चाइल्ड आर्टिस्ट 1997 की फिल्म चाची 420 में, जिसमें उन्होंने कमल हसन और तब्बू की बेटी का रोल प्ले किया था। लेकिन दंगल उनकी पहली फुल लेंथ रोल वाली फिल्म है। पर जब फातिमा को इस रोल के लिए ऑडिशन का कॉल आया, तब फातिमा को लगा कि शी इज नॉट द राइट चॉइस फॉर द रोल एंड शी डज नॉट लुक लाइक अ रेसलर। बट वेल, हियर शी इज। फिल्म दंगल में बबीता फोगट का रोल निभा रही हैं सानिया मल्होत्रा। सानिया बॉलीवुड की दुनिया में बिल्कुल नहीं है। दिस इज हर फर्स्ट बॉलीवुड रोल, दो शी हैज अपीयर्ड इन मेनी एड्स बिफोर। सानिया एक ट्रेंड कंटेम्प्रेरी और बैले डांसर है। उन्हें जब ये रेसलर वाला रोल मिला ना, तो उन्हें लगा कि हर डांसिंग ट्रेनिंग विल हेल्प हर, बट इट डिड नॉट। आफ्टर ऑल, रेसलिंग इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। और उनके इस रोल के लिए ना सानिया को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। शी हैड टू प्रैक्टिस रेसलिंग फॉर आवर्स डेली to look right in her role. फ्रीकी अली में नवाजुद्दीन गोल्फ खेलते नजर आए हैं। भाई, नवाजुद्दीन बचपन में मार्बल्स के साथ खेलते थे, लेकिन गोल्फ तो बहुत दूर की बात थी। He had never played golf in his life, you know, before. For फ्रीकी अली, नवाजुद्दीन learned to play golf. उन्होंने कुछ 10-12 दिन के लिए नॉनस्टॉप गोल्फ की प्रैक्टिस करी, सो मच कि उन्हें बैक और शोल्डर एक होने लगा विद ऑल द स्विंगिंग दैट्स इन्वॉल्वड इन द स्पोर्ट। और भाई, फिल्म के लिए गोल्फ खेलते खेलते उन्हें स्पोर्ट में दिलचस्पी आ गई एंड ही हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू प्लेइंग इट। हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में। वेल, ये एक सच्ची कहानी थी। और उस रोल के रिसर्च के लिए नवाजुद्दीन ने पूरा एक महीना बिताया उस गांव में जहां घटना हुई थी। ही लर्न द वेज यू नो ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इन दैट विलेज एंड ही गॉट टू नो द रियल माउंटेन मैन ऑल्सो। रिसेंटली आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रमन राघव, जिसमें नवाजुद्दीन ने एक साइकोपैथ सीरियल किलर का रोल प्ले किया। वेल, पता है, इस रोल के लिए नवाजुद्दीन ने खूब तैयारी की। इन्होंने इंटरनेट पर बहुत सारे साइकोपैथ किलर्स के इंटरव्यूज देखे। वो बिना किसी को बताए 2 दिन के लिए उनके घर से बस यूं ही चले गए। नो वन न्यू वेयर ही वाज एंड यू नो नवाजुद्दीन स्टार्टेड फियरिंग हिमसेल्फ। फिर वो घर लौटे, वो ऑलमोस्ट खुद को रमन राघव समझने लगे। नवाजुद्दीन वाज दैट मच इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। फिल्म रईस का हिस्सा बनने वाले थे फरहान अख्तर। ही वाज गोइंग टू एक्ट इन द फिल्म आल्सो, बट देन ही हैड टू ऑप्ट आउट। फरहान रईस में एक पुलिस अफसर का रोल निभाने वाले थे, बट इट सो हैपेंड कि 2016 की फिल्म वजीर में वो एक पुलिस अफसर बन चुके थे एंड सिंस रईस वाज सपोज्ड टू रिलीज सून आफ्टर, वो एक सिमिलर रोल में इतनी जल्दी नहीं दिखाई देना चाहते थे एंड दैट्स व्हाई फरहान ऑप्टेड आउट ऑफ रईस एज एन एक्टर। पता आपको, फिल्म काबिल की शूटिंग बस 77 डेज में कंप्लीट हुई एंड टू कंप्लीट हिज पार्ट ऋतिक रोशन टुक ओनली 60 डेज। हाँ, ऋतिक के पास इस फिल्म के लिए बस उतने ही डेट्स थे। राकेश रोशन फिल्म के प्रोड्यूसर, वेल ही मेड श्योर दैट एवरीवन डिड देयर वर्क ऑन टाइम। जब भी किसी सीक्वेंस के लिए ज्यादा वक्त लगता, राकेश रोशन जी कुछ ऐसे सुझाव दे देते जिससे शूटिंग जल्दी निपट जाए एंड दैट्स हाउ ऋतिक मैनेज टू फिनिश ऑफ हिज पार्ट इन जस्ट 60 डेज। रुस्तम फिल्म की कहानी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है एंड इट इज सेट इन द 1950s। अब जब एक पीरियड फिल्म बनती है तो डिटेल्स पर बहुत ध्यान देना पड़ता है एंड द मेकर्स ऑफ रुस्तम मेड श्योर दैट दे गॉट एवरीथिंग राइट। अब रुस्तम में अक्षय कुमार एक पारसी किरदार प्ले कर रहे हैं और उनके पारसी लुक के लिए अक्षय बोरोड इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मैनेजर्स फादर फॉर अ वेडिंग सीन। पर ये तो बस एक ही बात थी। पता है, उस वेडिंग के मेहमानों की कास्टिंग की जब बारी आई, सुना है कि डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि जूनियर आर्टिस्ट पास ऑफ हो एज पारसी वेडिंग गेस्ट, और इसीलिए फिल्म के क्रू ने उनके पारसी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुलाया टू जॉइन इन द स्क्रीन सेलिब्रेशन। वाओ, इजंट दैट ऑसम।